खबर देहरादून से है। R9 टीवी की खबर का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार ने जारी किए हैं निर्देश। निजी लैब को 2400 रुपए में करना होगा कोरोना का टेस्ट। पहले 4500 रुपए में निजी लैब ये टेस्ट को करती थी। अस्पतालों के सैंपल 2000 में टेस्ट करेंगे निजी लैब। सरकारी और निजी अस्पतालों के सैंपल का 2000 में करना होगा टेस्ट। निजी लैब को सरकारी को देनी होगी सभी जांच रिपोर्ट। R9 टीवी ने यह मुद्दा उठाया था, निजी लैब में टेस्ट की कीमतों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि इस कोरोना की स्थिति में, आपात स्थिति में कैसे 2400 जिसका रेट आज है, वो पहले 4500 से 5000 तक वसूला जा रहा था रेट कोरोना टेस्ट का निजी लैब द्वारा। और अब जो खबर आ रही है, खबर ये कि निजी लैब को 2400 रुपये में करना होगा इलाज। पहले 4500 रुपये में निजी लैब कोरोना का टेस्ट करते थे। अस्पतालों के सैंपल 2000 में टेस्ट करेंगे निजी लैब। सरकारी और निजी अस्पतालों के सैंपल का 2000 में करना होगा टेस्ट। निजी लैब को सरकार को देनी होगी सभी जांच रिपोर्ट। R9 टीवी ने उठाया था निजी लैब में टेस्ट की कीमतों का मुद्दा। बेतहाशा कीमतें 4500 से लेकर 5000, जिसके मन में जो वो टेस्ट करके कीमत वसूल रहा था। और अब आदेश जारी हुआ कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। पंकज पवार हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ। पंकज, जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया कोरोना टेस्ट की कीमत हो गई लैब को लेकर, जो पहले 4500 से लेकर 5000 तक वसूल रहे थे, लेकिन अब उत्तराखंड में भी 2400 में कोरोना का टेस्ट होगा। R9 टीवी ने इस बात को उठाया था कि आखिरकार किस तरीके से जो प्राइवेट लैब्स हैं वो उत्तराखंड में एक तो टेस्ट वो महंगे कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सरकार को मुहैया नहीं करवा रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो टेस्ट की व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए सरकार उस पर फैसला नहीं ले पा रही है। तो उसको देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक तो सरकार ने बड़ा फैसला ये लिया है कि जो निजी लैब्स हैं उसमें जो भी टेस्ट होगा उसकी उन्होंने कीमत तय कर दी है। कभी इससे पहले कभी 5000 कभी 4500 रुपए निजी लैब्स द्वारा लिए जा रहे थे, लेकिन अब 2400 रुपए कोई भी अगर प्राइवेट लैब्स में जाके अपना टेस्ट कराना चाहेगा तो 2400 रुपए देने पड़ेंगे। अगर सरकार या निजी अस्पताल लैब्स में अपनी वो भेजेगी तो उन्हें 2000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी तय कर दिया गया है कि निजी लैब्स में अगर कोई भी किया जाएगा, अगर कोई भी टेस्ट होगा उसकी सारी जानकारी सरकार को मुहैया कराई जाएगी इन निजी लैब्स के द्वारा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो R9 टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। तो R9 टीवी ने मुद्दा उठाया था और असर हुआ है। अब 2400 रुपये में भी